Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है Realme का C30S और आप लेना चाहते हैं इस फोन में स्क्रीनशॉट को, तो मैं आपको बताऊंगा आप इस फोन में किस किस तरह से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आप इस फोन में 5 अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन का जो वॉल्यूम डाउन बटन रहेगा इसको और जो आपका पावर बटन है, दोनों को एक साथ प्रेस करने पर आप स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं कुछ इस तरह से। दोनों बटन एक साथ प्रेस करना है कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकेंगे स्क्रीनशॉट आ चुका है। अगर आपको इस फोन में चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में चले जाना होगा, जिसको एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखोगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये लॉन्ग हो जाता है। जितना चाहें उसको इस तरह से स्क्रॉल करा के लॉन्ग आप कर सकते हो। तो देख सकते हैं लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपके सामने आ चुका है, इस तरह से लॉन्ग ले सकते हैं। अगर आपको क्रॉप स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी बना सकते हैं। उसके लिए पहले तो आपको नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक करना होगा। नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक करने के बाद इस स्क्रीनशॉट पर इस तरह से क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से सेलेक्ट किया हुआ देखने को मिल जाएगा। क्रॉप पर क्लिक करके इस तरह से आप इसको क्रॉप कर पाएंगे। यहाँ क्लिक कर दीजिए तो ये सेव हो जाता है क्रॉप स्क्रीनशॉट। इस फोन में आप दो और अलग तरीके से स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। एक तो जो आपका कंट्रोल बार रहता है, यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करा के स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। और इसके बाद जो आपका रीसेंट एप्स बन रहता है, यहाँ रीसेंट बटन को क्लिक करा के स्क्रीनशॉट पर क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। तो ये कुछ फीचर रहते हैं इस फोन के अंदर स्क्रीनशॉट के, जिनको यूज करके आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं अलग अलग तरीके से। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी।